अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर रहमान रहीम। हम बच्चे पैदा होते हैं ना, उनको टोपी बना रहे उनके लिए। वो टोपी गोल बनाएंगे तो बच्चे का सर ऐसा गोल रहता है और गोल हो जाता है बराबर से। ये देखो, हमने 5 टोपी बना के रखे हैं, 6 बनाने के लिए हैं आपको बताने के। ये देखो, हम ऐसी टोपी बनाते हैं। ये बच्चा पैदा होता ना, ये देखो, ये इसका इतना सर रहता है। ये देखो, ठीक है। अभी हम क्या करते हैं, टोपी ऐसी बनाते हैं कि अंदर से भी पहन सकते, ऐसी भी पहन सकते और ऐसी भी करके पहन सकते। ये देखो, दोनों तरफ से बराबर, देखो ऐसी है, ये भी टोपी वैसी है। ये देखो, इसको बाहर से देखे, फिर अंदर से इसको ऐसी ऐसी करो, दोनों तरफ से पहन सकते। देखो ऐसी हमने 5 टोपी बनाए हैं, 6 आपको बता रहे बनाने की कैसी हो। अभी ये देखो, साइड की पट्टी रही थी ना, जैसे कि ये पट्टी है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, दीवार बोलते हैं, तुम लोग पट्टी बोलते हैं। तो ये पट्टी देखो, ये पट्टी निकाले हैं और इसका गोल ऊपर का है ना, गोल, ये गोल इसका निकालेंगे और ये इसको कपाल पट्टी बोलते हैं, ठीक है। तो ये कपाल पट्टी निकाले, अभी आपको बताते हैं कितना इंच की, कितने इसको लगेंगे। ये देखो, ये देखो कितना, ये 11.5 इंच का ये, हाँ। ऐसा कितना है, ये देखो 6.5 इंच ऐसा है, ऐसा 11.5 इंच है, हाँ। और ये उसकी पट्टी डबल बनाने की रहती है तो बनती है, अलट पलट करके पिना सकते। ये उसकी पट्टी, आगे लगाने की पट्टी, उसको कपाल पट्टी बोलते। ये देखो 4.5 है ये, हाँ। और ऐसी कितनी लेंगे, ये देखो ये 3.5 है, हाँ। तो इसको अभी देखो, ऐसी मोड़ेंगे इधर से तो इधर से सिलाएगी तो कितनी बनेगी, कितनी रहेगी देखो। ये देखो इतनी हो जाएगी, तो इतनी चाहिए ना, पिछानी इतनी रहती है ना। ये देखो, अभी इसका हम गोल काटेंगे, ये कपड़े का गोल कट करेंगे, हाँ। तो इसको ऐसी घड़ी मारने की और ऐसी मारने की, ये देखो, और यहाँ से कभी भी काटने का। अभी ये के साथ 2 इंच लेने का इसको, यहाँ से 2 इंच और यहाँ से 2 इंच, यहाँ से 2 इंच। तो अभी यहाँ से जो 2 इंच है, यहाँ पर एक मार्क करेंगे, यहाँ पर, वहां से देखो अभी कितना, देखो यहाँ से 2 इंच है, देखो 2 इंच इधर है, इधर है ना, ये हो गया दूसरा, ये हो गया 2 इंच, यहाँ से 2 इंच करे हैं। अभी इसको ज्वाइन करेंगे, तो कैसा गोल करनी है, गोल बराबर, हाँ हाँ गोल, ये देखो ये गोल हो गया। अब इसको कट करेंगे, अभी इसको कट करेंगे, ये बराबर चौक से अफसानी करिए ना निशान, उसके ऊपर से कट करेंगे। और बच्चा पैदा होता है छोटी टोपी, फिर थोड़ा बड़ा होता है तो थोड़ी सी बड़ी, 1 इंच बनाने की, फिर और बनाने का 1 इंच, जैसा बच्चा बड़ा होता है ना वैसा 1-1 इंच, जैसा ये बढ़ता है ना तो ये भी बढ़ता है और ये भी बढ़ता है। तो ये कितने मतलब महीने के बच्चे को आएगी, ये पैदा हुए बच्चे को आएगी। अच्छा, ये देखो, देखे ये कैसा हुआ है, देखो बराबर कट करे हमने, ऐसा 2 जगह कट, एक टोपी को 2 हिस्से में कट करे। तो ये 3 पीस में मतलब हो जाएगा, मतलब और 3 पीस काटने का, 3 पीस तो बताती मैं आपको, ये 3 पीस आपको, 3 पीस है ना ऐसे, ये 3 पीस ये कट करे और इसको देखो ऐसा ज्वाइंट किए, अभी इसको ऐसा ही रखेंगे, मतलब ये 2 हिस्से में चाहिए तो एक टोपी बनती है, हा? मतलब ये 3 पीस है ना, तो यही रेड कलर का 3 पीस इधर, नहीं कौन सा भी कलर लो तुम्हारी मर्जी, हाँ हाँ, लेकिन 3 कट ऐसा करे तो 3 कट दूसरा भी सेम यही ये, करना है। अच्छा, देखो हमने जो बनाए हैं हाथ से, अभी इसको हाथ से बनाने का आपको बताए, ये हाथ से बना बनती है, मशीन से कोई कोई बनाता है, सब नहीं बना पाते हैं, हम हाथ से ही बनाते हैं। और नीचे जो है ये देखो, हमने नीचे ये देखो, ये जो बंद बनाए हैं बांधने वाले वो मशीन पे बनाए हैं,
और ये देखो नीचे की सिलाई मशीन पे मारी, ये देखो बाकी पूरी टोपी हमने हाथ से बनाई। इसको मशीन से सिल सकते हैं मम्मी? ये देखो, नहीं वो मेरे को नहीं दूंगा। ये देखो, देखिए टोपी सीधी भी उल्टी भी कैसी भी पहनो, जैसी पहननी वैसी पहनो, दोनों तरफ अलग अलग कपड़ा हमने लगाए कि दोनों तरफ से पहनने के लिए। हाँ अभी हम बता रहे हैं आपका हाथ से बनाने का। अभी इसको लेने का ये देखो, इधर लेके इधर से ये मोड़ने का, ये देखो ऐसे मोड़ने का और इधर से सीने का, ये देखो हाँ। तो इधर से सीने के पक्का पक्का टक बनता है ना, तो क्या करने का, एक बार सिए दूसरी बार सिए एक ही जगह, देखो तीसरी बार भी सीने का, इसको पक्का बोलते। देखिए ऐसा दो बार सीने का है ना आपने को, एक बार मैंने सीखे बताया आपको, सी बताई नहीं, अभी हम बता अभी बता रहे आपको। ये पूरा ऊपर तक सीने जो है ना ऊपर बाजू, ये देखो ऐसा ऊपर बाजू, ये देखो ऐसा ये बीच में धागा रखेंगे और इसको ये देखो ऐसा बीच में से खींचेंगे तो क्या हो जाएगा बराबर, ये देखो फिट हो जाएगा, मतलब पक्की सिलाई हो जाएगी, हो गई। अभी ये लेने का इधर, ये है ना दूसरी बाजू, इधर से लेने, पहले इधर से ये काटने की सिलाई, ये देखो धागा काटने का, धागा काटे अभी इसको पीछे ऐसी गांठ मारने की, ये देखो गांठ मार दिए, अभी देखो अभी इसको लेने का इसके, ये देखो ऐसा इसको ज्वाइंट करने का, तो ज्वाइंट करने का जब ज्वाइंट करते टाइम इधर से बराबर नीचे से, ये देखो इतना मोड़ने का, मोड़ने का अभी ज्वाइंट करने, देखो वापस वैसा ही टाका लेने का, तीन बार तीन बार, ये देखो अभी ये बराबर देखो गोल हो गया। हाँ अभी ये इसको लगा देंगे, अभी ये सुई लेंगे, ये गोल लगाने का है ना, तो कहाँ से लगाने का है, देखो ये साइड है ना, ये इधर लेने, ये देखो ये अभी के लोग ये टोपी भूल गए हैं, लेकिन पुराने लोग जो है वो ये टोपी बनाते हैं, तो ये पुराने लोग, मेरे को कोई सिखाया नहीं, मैं खाली किसी की टोपी पहनी हुई देखी गाँव में, तो मैं वैसी ही टोपी बना के दिखाई, तो लोग खुश हो गए कितने लोग ने मेरे से टोपी बना के लिए, ये देखो बराबर कपड़े पे बराबर कपड़ा लेने का, हमने तीन बार टाके मारे। हाँ अभी देखो अभी इसको गोल पूरा गोल सीएंगे, अभी गोल भी सिए आजू बाजू भी सिए, हो गई टोपी, ये देखो ये भी टोपी हो गई। अभी क्या करेंगे, जो भार रखने की सीए है ना उसको ऐसा सीधा रखें, ये देखो इसको सीधा किए, दोनों तरफ सीधा आना चाहिए, हाँ दोनों तरफ हम सीधा लेते, मतलब एक जो सिले है, मतलब एक जो पार्ट सिले है उसको मतलब ऐसा करेंगे, सिले हुए को पलट देंगे। हाँ अभी इसको ऐसी उल्टी रखेंगे, इसको ऐसी उल्टी रख के इसके अंदर डालेंगे, ये देखो ऐसी टोपी डालेंगे, देखिए अभी इसको ये देखो बराबर इधर आना चाहिए, ज्वाइंट होना चाहिए, देखो ज्वाइंट कर दिए। अभी क्या करेंगे, पहले ये गोल सिलाई करेंगे, गोल सिलाई करेंगे और फिर ये पट्टी करेंगे, फिर ये करेंगे, फिर इधर इसकी सिलाई मारेंगे मशीन की और उसको बंद बना देंगे मशीन की। हाँ अभी बता रहे कैसे सिले, ये अंदर से ऐसा सुई बाहर निकाल दी बराबर, ये जो गोल है ना सियला उसी के ऊपर, ये देखो इसको मशीन पे कैसा सिया जाता मुझे नहीं मालूम, मैं कभी हाथ से सी इसको मशीन पे नहीं सी, इसलिए आपको मैं हाथ से बता रही। ये देखो हाथ से भी अच्छा आता है, देखो अभी क्या करेंगे, इसको बारीक जरा सुई छुपाएंगे, बारीक छोटा छोटा टाका, बराबर टाका नहीं, क्योंकि नीचे भी अच्छे से आना चाहिए, आप वैसा ही धागा लेंगे तो भी चलेगा। हमारे लॉकडाउन में हमारी शिवली नगर में कोई धागे की दुकान नहीं, अमृत नगर में हम जाने तक दुकानें बंद होती हैं, इसलिए हम अमृत नगर से नहीं लाते, तो हम दिखा रहे आपको, आप वैसा ही धागा लेंगे तो आपका टाका दिखेगा नहीं,
ये देखो, देखे ऐसा बारीक बराबर एक गोल हिस्सा ही है ना, तो गोल में ऐसा बारीक सिलाई मारेंगे, आगे पीछे बराबर वैसी सिलाई आना चाहिए। ये देखो गोल सिलाई मारेंगे, ये देखो गोल सी रहे हैं बराबर, अभी पूरा गोल सियेंगे फिर आपको बताएंगे क्या करेंगे। ये आगे की पट्टी देखे, इधर से ऐसी ऐसी मोड़नी, पहले से हमने मोड़ के रखे है। अभी देखो इधर से आपको चाहिए मशीन पे सी सकते हैं आप, मेरे को ये मशीन पे सीने नहीं जमता इसलिए हम हाथ से बता रहे, आप मशीन पे इसको सी सकते हैं। हाँ अभी देखो देखे, अभी इसको बारीक टाका लगा के बारीक बारीक ऊपर नीचे का टाका एक होना चाहिए। लाल धागा लेंगे ना, लाल है ना टोपी, लाल लेंगे धागा ना तो टाका दिखेगा नहीं। सीधा हमने सी लिए, अभी इसको इधर सियेंगे और ए बाजू सियेंगे। देखो ऐसा अंदर ये मोर मोर के इसकी किनारी अंदर मोरने की, ये देखो और सीने का देखो, इसको इधर दो टाके लेने के, हाँ मतलब खुलेगा नहीं, नहीं खुलने के लिए देखो दो टाके लेंगे। देखो एक बार हो गया, फिर दूसरी बार देखे ऐसा हो गया, अभी इसको सीएंगे। और बच्चा पैदा होता है उतनी टोपी बनाने की, फिर जैसा बच्चा बड़ा होता है तो एक एक चीज उसमें बड़ा देने की और टोपी बनाने की। और ये टोपी पहनने से उसका बच्चे का सर एकदम गोल होता है नींबू की तरह, इसलिए ऐसी टोपी बनाने की। अभी ये देखो 3 इंच सी है इधर, अभी इधर नीचे से ऐसा इसको मोरेंगे, ये देखो नीचे से इतना मोरेंगे, ये देखो इतना मोरेंगे नीचे से, और ये बाजू मोरे, अभी ये बाजू भी नीचे से मोरेंगे। देखे अभी इसको सी लेंगे, तो इधर पीछे से सिलाई लेंगे, देखो तो खुलेगी नहीं क्योंकि हाथ की सिलाई है, तो पीछे से लेंगे ना, एक एक टाका पीछे से लेंगे तो खुलती नहीं है सिलाई। ये देखो ऐसी ऐसी पूरी सिलाई इधर तक मार के इसको डबल डबल टाका इधर मारेंगे, ये देखो डबल डबल हम टाका मारेंगे इसको। और ये कोकनी लोग ऐसी टोपी पहनाते ना? हाँ ये कोकनी लोग, ये मेरी हफ्सा, हाँ मेरी हफ्सा सिस्टर भी थी, कंपाउंडर भी थी मेरी हफ्सा, सिस्टर भी थी, कंपाउंडर थी, मेरी बड़ी वाली लड़की भी सिस्टर थी, मेरी बड़ी वाली लड़की ने बड़े हॉस्पिटल में काम करी है, मेरे हफ्सा ने भी काम करी, दोनों सिस्टर बन के निकले हैं। सिस्टर नहीं मम्मी, नर्स 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 बन के निकले, सॉरी। हाँ तो फिरोज रजा डॉक्टर, तो डॉक्टर फिरोज रजा के पास इसने मतलब उसके हॉस्पिटल में काम करी, तो काम करी तो उन्होंने जैसा देखे हफ्सा के बच्चे की टोपी देखे, अब्बास की टोपी देखे, तो बोले अरे ये कैसा, ये टोपी कितनी अच्छी दिख रही है और गोल सर हो रहा है इससे, तो बोले हाँ, बोले मेरे बच्चे के लिए सीखे दो। तो मैंने अफ्सा के सर मतलब डॉक्टर उसके बच्चे की भी टोपी सीखे दी थी। ये देखे अभी यहाँ से ऐसे ही सीखे, ऐसा ही मोरेंगे फिर बताएंगे आप कितना 3 इंच तक सीए। ये देखो 3 इंच सीए, देखे अभी क्या करेंगे, ये हिस्सा ए हिस्सा इसको मिला के देखेंगे कहाँ तक मोरने का है, तो देखो ये बराबर हो जाएगा, यहाँ से अभी मोरेंगे इसको अंदर, जितना कपड़ा बचता है ना अंदर करेंगे उसको, ये भी वैसा ही मोरेंगे। देखे अभी इसको पूरा यहाँ तक सियेंगे, हाथ का सिलाई का काम हो गया। देखे अभी क्या करेंगे, इसका बंद बनाएंगे, जैसा इसका बनाएंगे, ये देखो ऐसा मशीन पे बंद बनाएंगे, कितना इंच का बंद है ये देखो, ये देखो ये 19 है ना इधर, नहीं ये देखो ये कितना है, 7.5 है, हाँ। 7.5 है ना, तो अंदर डालने के लिए देखो 8 इंच का बंद बनाएंगे, 8 या 9 इंच का बनाएंगे,
साढ़े आठ का बनाएंगे। इसको अंदर मोड़ने का रहता है ना, इसके लिए अभी बताते हैं। 2 इंच की पट्टी लेंगे, देखो 2.5 इंच की पट्टी लिए, अभी 2.5 इंच की पट्टी लिए, लंबी कितनी लिए है वो तक बताते हैं। ये देखो 8.5 इंच लेने की थी, 8.5 इंच। ये देखो 8.5 डबल करने की ना, 8 × 16 और 1 17, 17 इंच की पट्टी लेने की। ये देखो ये 9 × 18 हो गया, तो अंदर डालेंगे उसको। हाँ अभी बताते कैसा बताने का, जब ये सीने लेंगे ना मशीन पे, तो क्या करने का, आगे से सब मोड़ने का, मोरे। और ये पट्टी कभी भी पतली नहीं बनाने की, नहीं तो बच्चे के गले में फंस जाती है, बच्चा रो के बताएगा नहीं तुमको क्या हुआ है। वो अपने को समझना चाहिए, ये पट्टी हमने चौरी इसके ले लेते हैं, ये अंदर मोरेंगे। ये देखो अभी इसको सियेंगे, मोरे ऐसी पूरी मोर मोर के सियेंगे पट्टी को। कोई कोई सोचता है इतनी जारी पट्टी क्यों है, लेकिन बच्चे के गले में नहीं फंसने के लिए ऐसी पट्टी बनानी है। अब ये पूरी पट्टी बनाएंगे, अभी देखो इसको लास्ट में आगे मोरे ना, ये लास्ट में ऐसी मोड़ने की और इसको ऐसी सी देने की। अभी ये पट्टी अक्की की है पट्टी, अब इसको 2 हिस्से में काटेंगे। ये देखो 2 हिस्से में काटे, अभी देखो ये लेंगे, टोपी लेंगे और टोपी को पहले ऐसी सीएंगे। ये देखो, ये देखो इधर तक सीएंगे पहले। यहाँ देखो अभी इसको पूरी मोड़ने की, कैसी मोड़ने की, अंदर कितना डालने का है वो देखने का, कपड़ा अंदर कितना डालने का है, एक एक इंच अंदर डाल के ऐसी बनाने की। अभी ये पट्टी लेंगे ना, जिधर से मोरे वो नीचे बाजू लेंगे और ये जो काटे ना वो ये बाजू लेंगे ऐसा। ये देखो कितना सिए ना, 1 इंच सीने के बाद ये पट्टी अंदर डालने की ऐसे, और ये उसके ऊपर डालने की और ऐसी सीने की। बच्चे लोग को छुपेगा नहीं, बाहर से बंद लगाते कितने जन तो छुप जाती है बच्चे लोग को, इसलिए नहीं छुपने के लिए अंदर से और दोनों तरफ से अपने को बताने का है, टोपी दोनों तरफ से पहनने की है, तो अंदर डालेंगे तो उल्टा सुल्टा नहीं मालूम पड़ेगा। अभी इसको पूरा ऐसे सीएंगे। अभी दूसरी पट्टी लेंगे और इसका मुंह है, देखो इधर से सीएला दिख रहा है, इधर से नहीं सीएला दिख रहा है। देखो ये हमने मोरे है ना, वो नीचे बाजू लेंगे और ये इधर से लेंगे और ये इसके अंदर भरेंगे। ये देखो हो गया, अभी इसको वापस घुमाएंगे, ऐसी टोपी को वापस घुमाएंगे। ये देखो ऐसा सियेंगे और क्या करेंगे, थोड़ा रुकाएंगे तो ऐसी सियेंगे। ये देखो फिर वापस से ऐसा घुमाएंगे और ऐसा सियेंगे, फिर रुकाएंगे और ऐसा। ये देखो ऐसा इधर भी वही कर, वैसा ही कर। आ गया इधर, अभी इधर ऊपर सियेंगे फिर ऊपर से नीचे बाजू सियेंगे, फिर अभी पूरी सियेंगे। देखो फर्स्ट क्लास टोपी बन के तैयार, गोल टोपी बोलते हैं इसको, गोल टोपी बच्चे की, गोल टोपी टोपरा बोलते हैं कोकनी लोग में, और बम्बई वाले बोलते हैं उसको गोल टोपी नहीं बोलते, टोपरा बोलते, टोपी बोलते सर की टोपी, और हम लोग टोपरा बोलते कोकनी में। अब ये बताते आपको, यही टोपी को बताते आपको उल्टा करके। ये देखो ऐसी भी पहन सकते हैं, देखो और ऐसी भी पहन सकते, दोनों बाजू से पहन सकते। देखो हमने टोपी बनाए हैं, अभी आपको बताते, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, बेल बजाओ, तो मेरी रोज की नई नई रोज की नई नई डिजाइन आपको देखने को मिली। पैदा हुए बच्चा है ना उसकी टोपी है। गलत बोल रही हो नानी, रेसिपी नहीं डिजाइन।
बना के हम बेचते हैं, कपड़ा हमारा है तो 100 रुपए एक टोपी का, और कपड़ा तुम्हारा है तो 50 रुपए एक टोपी का। ये देखो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, बेल बजाओ, तो मेरी रोज की नई नई डिजाइन आपको देखने को मिलेगी, कल्चर की, कोकनी कल्चर। अल्लाह हाफिज़।